राजधानी रायपुर में नगरीय इलाकों के दौरे को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने अपने बयान में कहा कि जब से राज्य में हमारी सरकार बनी है, लगातार विकास के काम शहरों और गांव के स्वीकृत हुए हैं। पर्याप्त राशि नगरीय निकायों को जारी की गई है। वही 11 दिसंबर को बीजेपी की होने वाली बैठक पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि एक साल सरकार का पूरा हो रहा है और बीजेपी का कार्यकाल सुशासन के लिए जाना जाएगा। इसके अलावा एक साल में हमने क्या क्या किया है, सबका हिसाब जनता के बीच जेपी नड्डा जारी करें। जब से राज्य में हमारी सरकार बनी है, लगातार विकास के काम शहरों और गांवों में स्वीकृत हुए हैं। पर्याप्त राशि नगरीय निकायों को हमारी सरकार बनने के बाद हमने जारी किया है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों भरा और सफलतम एक साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ये कार्यकाल जाना जाएगा उपलब्धियों के लिए, ये कार्यकाल जाना जाएगा मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए, ये कार्यकाल जाना जाएगा सुशासन के लिए। और एक साल में कांग्रेस 5 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड बता नहीं पाई थी क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं था। एक साल की जो हमारी उपलब्धि है, इसका रिपोर्ट कार्ड हम जनता के बीच रखेंगे कि हमने जो वायदे किए थे आपसे, उन वायदों को पूरा किया है और एक साल में हमने क्या क्या किया सुशासन के लिए, विकास के लिए, मोदी की गारंटी के लिए, उन सब का हिसाब जनता के बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जारी करेंगे। और पूरे प्रदेश में अलग अलग विभाग के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम करके सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने का काम हो रहा है।